आज इंदौर में संघ कार्यालय पर आए कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और उनकी मंडली संघ के अतिथि सत्कार को देख अभिभूत हो गई। संघ को तिरंगा भेंट करने आए कांग्रेसियों से सहर्ष तिरंगा लेकर उन्हें भी इंदौर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर तिरंगा फहराने के लिए भेंट किया गया। संघ ने कार्यालय आए कांग्रेसियों को संघ का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से संबंधित दो पुस्तकें भी भेंट की और दीपक भी, ताकि 14 अगस्त की शाम को कांग्रेस कार्यालय पर जलाए जाएं। ये खबर गजब है। दो दिन पहले अखबारों के माध्यम से डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के पदाधिकारियों को खबर मिली कि संघ के इंदौर स्थित अर्चना कार्यालय पर कुछ कांग्रेसी 13 अगस्त को तिरंगा भेंट करने आने वाले हैं। और आज सुबह इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी और उनकी मंडली इंदौर संघ कार्यालय पर तिरंगा भेंट करने के लिए आई। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संघ कार्यालय पर पहले ही तिरंगा लहरा रहा था, और जब तिरंगा भेंट करने के लिए कांग्रेस के नेता आए तो उनका द्वार पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सभा कक्ष में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, परिचय हुआ और कांग्रेस ने डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट किया। इसके बाद स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर दास जी हिंदुजा ने भी कांग्रेस कार्यालय के लिए तिरंगा भेंट किया। इसी के साथ वहां आए सभी कांग्रेसियों को संघ के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से संबंधित दो पुस्तकें भी भेंट की गई और 5-5 दीपक भेंट कर अमृत महोत्सव के निमित्त 14 अगस्त को होने वाले दीपोत्सव में भाग लेने और कांग्रेस कार्यालय पर भी दीपक जलाने का आग्रह किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और उनकी मंडली संघ कार्यालय आकर अभिभूत हो गई। जब वीएसके मालवा ने उनसे बात की तो वे संघ के आतिथ्य सत्कार की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सुनिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी को। बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत हुआ, बड़ा हमारा मान सम्मान किया गया। हम उनके प्रति, डॉक्टर हेडवाल स्मारक समिति के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय हमारे जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। हमारा बाकायदा सम्मान के साथ हमारा सल्पहार हुआ और सारी व्यवस्था, मतलब हम इतने अभिभूत और खुश हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हमारा इतना मान सम्मान किया जाए। इसके लिए हम उनके आभार। लेकिन संघ कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा तिरंगा देने पर ही 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरेगा ऐसा कतई नहीं है। संघ कार्यालय पर तो यूं भी तिरंगा हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहरता ही है। इस बारे में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर जी हिंदुजा ने जो बताया वो सुनिए। तिरंगा ये राष्ट्रीय ध्वज है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक निवासी जो भी है, वो इसका आदर करता है, सम्मान करता है। और हमारे कार्यालय में तो प्रारंभ से ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ ध्वज वंदन का कार्यक्रम होता है, ध्वज चढ़ाया जाता है और ध्वज होता है। और हमने उनको निमंत्रण भी दिया, 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ सादर आमंत्रित है। इसके अलावा जब संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से संबंधित पुस्तकें कांग्रेस नेताओं को भेंट की गई, तब इंदौर के संघ के सह कार्यवाह पवन जी ने कांग्रेस के बंधुओं को बताया कि संघ के स्वयंसेवक स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे, पर संघ अलग संगठन के बजाय स्वतंत्रता के चल रहे दूसरे सभी प्रयासों में सहयोग कर रहा था। संघ के कई स्वयंसेवक कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, स्वयं संघ संस्थापक स्वतंत्रता के लिए जेल गए थे। कुल मिलाकर एक सकारात्मक भेंट हुई है। ईश्वर हिंदुजा जी ने तो यह भी कहा कि हमारे यहाँ कोई अपवाद नहीं है, हम सभी को मिलकर ही देश को आगे बढ़ाना है, देश को बड़ा बनाना है। धन्यवाद।